एक तरफ प्रशासन के द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की मौजूदगी में लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। जहां कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को लॉकडाउन के तहत अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, तो वहीं नवीन जसरा सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे व्यापारियों की भीड़ को देख कर के यही अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद लोगों को इस वैश्विक महामारी के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी लोग अनजान से बने हुए हैं और ना ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है और ना ही मुंह में मास्क लगाना है। नवीन जसरा सब्जी मंडी के कैंपस के बाहर अगर देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में जुटी सब्जी खरीदने वालों की भीड़ को देखकर यही कहा जा सकता है कि यहां पर तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी होते हुए भी मंडी परिसर के बाहर मौजूद भीड़ में तनिक भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है और लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए सब्जी मंडी के अंदर जाने की कसमकस में लगे हुए हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। खड़े हैं जसरा मंडी के कैंपस के बाहर, जहां पर लोगों द्वारा लंबी कतारें लगाई गई हुई हैं, जो सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है। कहीं तो प्रशासन की लचर लापरवाही की वजह से ये कंडीशन देखी जा रही है। यही कंडीशन मंडी के अंदर है, जो कि वहाँ भीड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुनसान पूरा पड़ा, सब्जियाँ रखी हुई हैं, किसानों और व्यापारी बस हैं, उसके बावजूद उनका माल बिक नहीं रहा है। अब मंडी कैंपस के बाहर इतनी लंबी संख्या में आदमी, हज़ारों की संख्या में लाइन में खड़े हुए हैं, ये कहीं प्रशासन की लचरवाही और मंडी परिषद के तहसील कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों को लाठी डंडों से मार खाने की वजह से ये लोग लाइन में लगे रहते हैं। मंडी अंदर जाने पर उनको लाठियाँ बरसाने की मार खानी पड़ रही है। वहीं टमाटर और हरी सब्जियां फेंकी जा रही हैं, किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहे हैं और किसान वहां बैठे मक्खियां मार रहे हैं। कोई उनके दुकान पर कोई भी व्यापारी नहीं है। यहां कैंपस के बाहर इतनी लंबी लाइन में लोग खड़े हुए हैं, यहां सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है।